ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम करेंगे बिशन की दिलेरी के प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला प्रश्न है, जी हाँ, हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है। सरपंच माधव सिंह भी हमें जानता है। शिकारियों ने कर्नल साहब से ऐसा क्या सोचकर कहा होगा? कर्नल साहब के रौब से बोलने पर, डांटने पर वे डर गए होंगे, इसीलिए उन्होंने कहा हमारे पास लाइसेंस वाली बंदूक है और सरपंच माधव सिंह भी हमें जानते हैं। प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दो है, बिशन घायल तीतर को क्यों बचाना चाहता था? बिशन पक्षियों से बहुत प्यार करता था। वह जानता था कि शिकारी घायल तीतर को खेत में ढूंढ नहीं पाएंगे, वे ऐसे ही उसे छोड़ जाएंगे। घायल तीतर उचित इलाज न मिल पाने के कारण मर जाएगा। अगर इनके हाथ लग गया तो वे इसे खा जाएंगे, इसलिए बिशन तीतर को बचाना चाहता था। अगला प्रश्न है, घायल तीतर को बचाने के लिए उसे किस तरह की परेशानियां हुई? बिशन को घायल तीतर को बचाने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह कांटेदार झाड़ियों में छिपता हुआ चल रहा था, जिसके कारण सारे कांटे उसे चुभ गए। वह लगातार दौड़ रहा था, इसीलिए उसे पसीने में नहा गया। उसकी कमीज की एक आस्तीन भी फट गई थी। प्रश्न चार, घायल तीतर अगर तुम्हें मिला होता तो क्या तुम उसे पालते या अच्छा होने पर छोड़ देते? क्यों? यदि घायल तीतर मुझे मिला होता तो मैं तीतर की देखभाल करती, उसे ठीक होने पर ऐसे स्थान पर छोड़ती जहां उसके अन्य साथी भी उसे मिल जाते। तीतर अपने साथियों से मिलकर बहुत खुश हो जाता। अगला प्रश्न भाषा की बात से है, इन वाक्यों को अपने शब्दों में लिखिए। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। आंसर है, सुबह की हल्की धूप में खेतों पर पड़ रही ओस चमकती है तो वह सोने के समान चमकती हुई दिखाई देती है। दूसरा, वह इतना तेज तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन उसे पकड़ लिया और अपने सीने से चिपका लिया। ऊपर लिखे वाक्यों में उसे शब्द का इस्तेमाल तीतर के लिए किया गया है। एक ही संज्ञा का बार बार इस्तेमाल करने के बजाय उसकी जगह कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम का ठीक रूप छाँट कर लिखिए। मास्टर साहब ने अप्पा राव को अपने पास बुलाकर कहा, तुम कल मेरे घर आना। सेंटिला, तुम्हारा घर नागालैंड के किस शहर में है? सुधा ने अपनी बुआ से पूछा, आपसे कितने बड़े हैं पापा, आपसे कितने बड़े हैं? मोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विमल ने अपने अफसर को याद दिलाया कि उसे 4 बजे बैठक में जाना है। तो इस तरह से ब्रैकेट में दिए हुए हैं, ये जो है सर्वनाम रूप है, इनको आपको परफेक्ट मैचिंग करना है, जो मैंने आपको सिखा दिया है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, इन वाक्यों को पूरा करो। वह इतना धीरे चल रहा था मानो चींटी चल रही हो। नेक्स्ट है, रात में चमकते तारे ऐसे दिख रहे थे मानो आकाश में तारों की चादर बिछी हो। अगला, तुम तो मंगल ग्रह के बारे में ऐसे बता रहे हो मानो तुम मंगल ग्रहवासी हो। बिल्ली चूहे को ऐसे ललचाई नजरों से देख रही थी मानो अभी खा जाएगी। आगे फसलों के इर्द गिर्द इस कहानी में सेब के खेत और सीढ़ीनुमा खेतों का जिक्र आया है। अनुमान लगाकर बताओ कि यह कहानी भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र की होगी और वहाँ सीढ़ीनुमा खेत क्यों लगाए जाते होंगे। दूसरा,
तो इसका होगा, यह कहानी उत्तर भाग भारतीय जैसे हिमाचल प्रदेश कश्मीर की है, जहाँ सीढ़ीनुमा खेत होते हैं। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ों को काटकर खेती के लिए ज़मीन तैयार की जाती है, अतः यहाँ की खेती सीढ़ीनुमा होती है। प्रश्न दो है, सेब के बागों में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो रहा था। यूँ तो कीटनाशक दवाएँ फलों, सब्जियों और अनाजों की फसलों को कीड़े से बचाती हैं, पर ये कीटनाशक दवाएं कीड़ों को नष्ट कर देती हैं। इससे इनका सेवन करने से हमें भी नुकसान होगा। पता करो और कक्षा में बातचीत करो। दूसरा, ऐसे फलों सब्जियों का इस्तेमाल करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर है, खेतों में कीटनाशक दवाएं छिड़की जाती हैं। यह दवाएं कीड़ों को नष्ट कर फसलों को बचाती हैं, परंतु यह कीटनाशक दवाएँ हमारे पाचन तंत्र को नुकसान पहुँचाती हैं। दूसरा प्रश्न ख, ख का आंसर होगा, हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो वो बातें हैं, फल सब्जियों में कीटनाशक दवाएं डाली जाती हैं, इसीलिए इन्हें अच्छी तरह से धोना चाहिए और ऊपरी सतह निकाल देनी चाहिए। अब है तुम्हारे आसपास, कर्नल दत्ता ने घायल तीतर को गेंदे के पत्तों का रस पिलाने के लिए कहा। पत्तों का इस्तेमाल कई कामों में होता है, नीचे लिखी पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है? इसमें तुलसी, अमरूद, नीम, तेजपत्ता, मीठा नीम, केला, आम और सागवान के बारे में बताया है। पहला, तुलसी, इसका प्रयोग औषधि, चाय, पूजा पाठ आदि में होता है। सर्दी दूर भगाने के लिए इसके पत्तियां उपयोग में लाई जाती हैं। दूसरा, नीम, इसका प्रयोग फोड़े फुंसी, दवाइयों और सब्जियों आदि में होता है। तीसरा, मीठा नीम, यह सब्जियों व दालों में प्रयोग होता है। दक्षिण भारतीय खानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सभी वो वेजिटेबल्स या फिर वो वेजिटेशंस हैं जो आपके आसपास मिलते हैं। आम का पत्ता, इसका प्रयोग पूजा पाठ, हवन आदि में होता है। अमरूद का पत्ता, इसका प्रयोग औषधि में होता है। इसे चबाने से मुंह के छाले दूर होते हैं, पेट साफ होता है। तेजपत्ता, इसका प्रयोग गरम मसाला, सब्जियाँ, पुलाव आदि बनाने में होता है। फिर है केला, इसका प्रयोग दक्षिण भारत में भोजन की थाली की तरह और पूजा पाठ आदि में होता है। सागवान, इसका प्रयोग दोने, पत्ते बनाने, कपड़ों की रंगाई में और इससे खाकी रंग भी बनता है। कर्नल साहब के कहने पर बिशन दौड़कर दवाइयों का बक्सा ले आया। इसे तुम प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जानते होगे। इस बक्से में क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनका इस्तेमाल कब कब किया जाता है? तो फर्स्ट एड बॉक्स में कपड़े की पट्टियां, रुई, डिटॉल, बैंडेड, एक चिमटी, छोटी कैंची, कटने छिलने आदि के लिए मरहम, सिरदर्द, उल्टी की दवाई, पानी के लिए छोटा सा गिलास आदि चीज़ें होती हैं, और इसका इस्तेमाल मामूली चोट लगने पर या छोटे मोटे उपचार के लिए किया जाता है। अगला है, तुमने पर्यावरण अध्ययन में पढ़ा होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में आमतौर पर छतें ढलवादार बनाई जाती हैं। सोचकर बताओ कि ऐसा क्यों किया जाता है? उत्तर है, पहाड़ी क्षेत्र में छतें ढलवादार बनाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है। इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फ़ बहुत होती है। यदि छतें ढलवादार ना हों तो बर्फ़ पानी ठहर जाएगा और मकान टूट जाएंगे। ढलवादार छतों में बर्फ़ और पानी ठहरता नहीं, अतः मकान को कोई ख़तरा नहीं रहता। इसी के साथ ये समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।